नमस्कार दोस्तों, इस स्टूडियो आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फिर आज के जो वीडियो होने वाला काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ नोटिस यूनाइटेड एफसी के बारे में। तो फिर आप सभी जानते हैं जब मैं नोटिस यूनाइटेड एफसी की वीडियोस बनाता हूँ तो थोड़ा सा मैं डिटेल्स में जाता हूँ और थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे में अगर बात करें, कुछ न्यूज हमें देखने को मिला, कुछ हमें सुनने को मिला और सुनील छेत्री जो है वो क्या खेलने वाले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में, सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो में। क्या सुनील छेत्री नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में खेलने की चांसेस है, क्या वो खेलने की पॉसिबिलिटी है, और अगर खेले तो भाई कैसे क्या क्या हो सकता है, सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत मजा आएगा, आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। उसी के साथ साथ आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए, आगे जाके और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है ISL IPL की। और ऐसे में अगर आप लोगों को बता दूं भाई, IPL हो या फिर ISL हो, सब कुछ वीडियो आपको ETC स्टूडियो मिल जाता है। उसी के साथ साथ सब्सक्राइब करने से आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो जाइए और जल्दी जल्दी नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और आगे जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में अगर बात करें, सुनील छेत्री एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बेंगलुरु एफसी का कैप्टन है, टीम इंडिया का कैप्टन है और काफी अच्छा खेल दिखा सकता है। और ऐसे में अगर बात करें, जो भी इंडियन प्लेयर है सबसे अच्छा जो मुझे लगता है सुनील छेत्री खेल दिखा सकता है, और इससे पहले बेंगलुरु एफसी में खेला, हालांकि इस टाइम पे करंट प्लेयर बेंगलुरु एफसी की है। और ऐसे में और एक बार जो हमें सुनने को मिल रहा है कि भाई नोटिस यूनाइटेड एफसी में सुनील छेत्री को देखा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है नोटिस यूनाइटेड एफसी में नहीं आएगा और इस साल भी खेलने वाला है बेंगलुरु एफसी के लिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट पे बताना जरूर। तो फिर पॉसिबिलिटी है, आगे जाके कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आ जाए तो मैं वीडियो बना के शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं। हो सकता है भाई आगे जाकर कोई अपडेट आ जाए कि भाई सुनील छेत्री जो है नोटिस यूनाइटेड एफसी के लिए खेलने वाला है या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं। और यह पॉसिबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में सुनील छेत्री खेलने वाला है। वो जहाँ है बेंगलुरु एफसी में एक करंट प्लेयर है, और मुझे लगता है बेंगलुरु एफसी में 2019-20 सीजन 6 में बेंगलुरु एफसी में ही देखा जाएगा। आपको क्या लगता है नीचे बताना कमेंट पे एक बार जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगा, कहीं भी कोई भी नॉलेज मिला तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।